19 सितंबर को गाजीपुर के एक होटल में पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन की एक बैठक संपन्न की गई, जिसमें कई जनपदों के एसोसिएशन और संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गाजीपुर के संगठन के द्वारा आए हुए सभी लोगों का माल्यार्पण और अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया। इस दौरान आए हुए अतिथियों और सदस्यों ने कई तरह की समस्याओं को रखा गया और उन समस्याओं को दूर करने का तरीका प्रांतीय अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों ने अपने लोगों को बताया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष के एस पांडे मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बताया, आइए सुनते हैं। संगठन अपनी सतत गतिविधियां चलाता रहता है, जिसमें हमारी जो जिला इकाई है उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है और जो आम साथी है वो जिला इकाई लेवल पर ही एकत्रित हो पाता है। इसलिए जिला इकाई का कार्यक्रम हम लोग हर जिले में करते रहते हैं और आज की बैठक उसी सिलसिले में बुलाई गई है। और इस समय क्योंकि देश के ऊपर बहुत सारे आंदोलनों का दौर है और इस समय आम साथियों को जागरूक करना संगठन की जिम्मेदारी है, उसी के मद्देनज़र आज की बैठक बुलाई गई। तो जो लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं और अब बैंक वाले भी समय समय पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, ऐसे में अपने कर्मचारियों को या अपने स्टाफ को जो किस तरह का क्या संदेश देना चाहिए? तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, बैंक कर्मचारी 99% देश हित में आंदोलन करता है अपनी मांगों के लिए, तो वो बहुत ही यदाकदा आंदोलन करता है। हमने हमेशा किसान मजदूर देश के हित में जो भी समस्याएं आती हैं उनके लिए आंदोलन किया है। आज भी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके साथ बैंक कर्मचारी कंधे से कंधे मिला के खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इस समय देश के अंदर संपत्तियों को बेचने का दौर है, उसमें बैंक भी टारगेट है। पहले बैंकों में आंशिक पूंजी को बेचे जाने की समस्या 1993 में शुरू हुई थी, लेकिन अब तो पूरी की पूरी बैंक के बेचे जाने की समस्या हमारे सामने है। और ऐसे में AIBA के हम जो लोग हैं वो देश हित में इस संगठन आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए जन जागरण अभियान हम लोग हर स्टेशन पे जाकर कर रहे हैं। सर, देखा जाता है कि जो बैंक जो सरकारी बैंक हैं और प्राइवेट बैंक, उसमें एक अंतर देखने को मिलता है कि जहां ग्राहक प्राइवेट बैंकों में जाता है तो वहां कर्मचारी उनसे अच्छा बिहेवियर करते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो सरकारी बैंक उनके कर्मचारी जो ग्राहकों के प्रति उनका बिहेवियर थोड़ा बेहतर नहीं था, तो क्या नहीं लगता कि उनको बिहेवियर को सुधार करना चाहिए? ये पूर्णतः सत्य नहीं है आपकी बात, मैं उसके पीछे एक मुख्य कारण बता दूं। जो प्राइवेट बैंक हैं वो क्लास बैंकिंग करते हैं और जो सरकारी बैंक है वो मास बैंकिंग करते हैं। हमारे यहाँ 5 रुपए से भी खाता खोला जाता है। आपको पता हो जब देश के प्रधानमंत्री ने जनधन खाते खुलवाए तो 12 करोड़ खाते सरकारी बैंकों में खोले गए और प्राइवेट बैंकों की सारे बैंकों की मिलकर संख्या भी 1 करोड़ नहीं हो पाई, क्योंकि वो लोग जब आम आदमी का खाता नहीं खोलते हैं तो उनको सर्विस देने का सवाल कहाँ उठता है। वहाँ क्लास बैंकिंग है, वहाँ वही लोग आदमी जाते हैं जिसकी जेब में पैसा है। हमारे यहाँ ऐसे भी अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेब में पैसा नहीं है, हम मास बैंकिंग करते हैं, इसलिए हमारी उनकी तुलना करना बराबर है गलत है। आपको अगर तुलना करनी है तो प्राइवेट बैंक की दूसरी प्राइवेट बैंक से करिए, आपको अगर तुलना करनी है एक सरकारी बैंक की दूसरी सरकारी बैंक से तुलना करिए। ये गलत है कि सरकारी बैंक की तुलना प्राइवेट बैंक से कर रहे हैं या प्राइवेट बैंक की तुलना सरकारी बैंक से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड अलग अलग है, दोनों का प्लेइंग फील्ड अलग अलग है, दोनों की प्राथमिकता अलग अलग है, दोनों की ग्राहक की जो क्लाइंटेल है वो अलग अलग है, इसलिए दोनों की तुलना कतई नहीं हो सकती। वो प्रॉफिट मोटिव है, हम सर्विस मोटिव है, दोनों में बहुत फर्क है। हमारा काम देश की सेवा करना है, आम जनता की सेवा करना है, उनका काम सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। अगर है तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप देश के सारे मंत्रियों से ये जरूर पूछिए जनधन खाते में प्राइवेट बैंकों ने कितने खाते खोले, कृषि लोन में प्राइवेट बैंक कितना हिस्सा देते हैं, रिक्शे वालों को प्राइवेट बैंकों ने कितनों ने लोन दिया है, अब जो मोदी जी की योजना चल रही है 10 लाख रुपए तक की उसमें प्राइवेट बैंकों ने कितना योगदान दिया है। आप तुलना तो करते हैं लेकिन आप उस तुलना को भूल जाते हैं जिसकी वजह से सरकारी बैंकों के, आपको हम बता दें आज एक सरकारी बैंक एक उसके कर्मचारी के पीछे 2000 से ज्यादा ग्राहक की सेवा है, जबकि प्राइवेट बैंकों में वो संख्या सैकड़ों में आती है। हमारे यहाँ 2000 से ज्यादा पर एम्प्लॉय कस्टमर है, उनके पास वो संख्या सैकड़ों में आती है, तो हमारी उनकी क्या तुलना है, हमारी उनकी क्या तुलना है।